ये अपना इंडिया का है, वो वाला बांग्लादेश का बॉर्डर। चलो भाई चलो। ओ भाई वेलकम। सामने का लोकेशन मस्त आ रहा है, एक नंबर यार सच में। पहुंच चुके हैं डाउकी रिवर पे। एनाकोंडा नहीं होता है यहाँ पे, तो सिर्फ मछली है भैया। इस साइड में लेर दा हो गया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। ये अपना इंडिया का है, वो वाला बांग्लादेश का बॉर्डर। बीच में फ्लैग लगाया दोनों का। सो गाइस अभी अपने बांग्लादेश के बॉर्डर को भी एक्सप्लोर कर चुका है। अभी हम जा रहे हैं करंचुरी फॉल्स, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर समथिंग कुछ है, और बारिश कंटिन्यू हो रही है। अभी भी बांग्लादेश बॉर्डर में मस्त वाली बारिश हो रही थी, जिस वजह से हम उतर के मस्त वाले वीडियोज़ नहीं कैप्चर कर पाए। तो अभी बस 30 किलोमीटर रन करना है अपने को। जो रोड है वो मस्त है यार, और हमारी गाड़ी चल रही है 20 की स्पीड से, जो कि मेरी बाइक कभी भी नहीं चलती इतनी कम स्पीड से। फाइनली हम पहुंच चुके हैं करंचुरी वाटरफॉल के पास में। अभी हमें 10 मिनट का रास्ता है, ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। और हमारी जो सारी पार्टी है वो निकल चुकी है ट्रैकिंग के लिए। गाइस सामने वो दिख रहा है करंचुरी वाटरफॉल, यही है। मस्त वाला लोकेशन यार सच में। चलो भाई चलो। ओ भाई वेलकम। अरे भाई स्लिपरी है सच में, बहुत तगड़ी वाली। So guys, सामने का लोकेशन मस्त आ रहा है, एक नंबर यार सच में। और ये पानी आ रहा है, और नीचे की साइड में इस साइड में जा रहा है पानी, बट पानी का फ्लो एक नंबर है यार। और यहाँ का लोकेशन वो भी मस्त है, वेदर भी मस्त है। एक मिनट में बारिश होने लगती है, एक मिनट में बारिश बंद हो जाती है। और यहाँ से ऊपर से पहाड़ गिरा है, तो इसी वजह से यहाँ का रास्ता भी ख़राब है। सो गाइस अभी अपने को जाना है नॉन स्टॉप गुवाहाटी, और गुवाहाटी पहुंचने में अपने को कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। और मेरे को एयरपोर्ट जाना है, इनको रेलवे स्टेशन जाना है। अभी 2 बज चुके हैं और अपने को 8 बजे से पहले पहले शाम को पहुंचना है। तो मस्त वाला एंजॉय किया हमने, मस्त वाले जो व्यूज़ हैं उनको कैप्चर किया। तो अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट। सो गाइस फाइनली हम रवाना हो चुके हैं करंचुरी वाटरफॉल को एक्सप्लोर करके। लोकेशन एक नंबर है यार। यहाँ से 180 किलोमीटर है गुवाहाटी, और गूगल मैप वगैरह 4 घंटे 27 मिनट लगने वाले, तो अपने को उससे ज़्यादा ही लगने वाले। अपने 5-5.5 घंटे मांग के चल रहे हैं, और अपनी जो फ्लाइट है शाम की वो आज शाम को 9 बजे की है। 9 बजे से पहले पहले अपने को पहुँच रहे हैं। अभी टाइम हो चुका है 3 दोपहर के 3 बज चुके हैं।
वाला है, मौसम है ना ऐसा हो चुका है कि अभी बस सनसेट होने वाला है और मौसम क्लाउडी थोड़ा सा कम हो चुका है और बारिश अभी नहीं आ रही है, बस बंद हुई है। ये थोड़ा सा फ़ायदा है बस, बाकी 4-5 दिनों से कंटिन्यू हम बारिश में चल रहे हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के पास में, भैया हमें छोड़ने के लिए आए हैं रैपिडो से। भैया की जो बाइक है ना वो मैं ही राइड करके लेके आया हूँ। तो अभी मेरी जो फ्लाइट है वो 9:40 की है और अभी 8:18 आ चुका है। तो अभी फटाफट अपने को बोर्डिंग पास करना है और अंदर की तरफ चलना है, ठीक है भैया? थैंक यू। ओके ओके, फाइनली हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पे और अभी अपने को 9:40 तक वेट करना पड़ेगा। और ये इतना भीड़ है यार, और वो 4 गेट है अपना, वहीं से जाएगी। अभी जो फ्लाइट है वो लेट हो चुकी है, अभी 10 हैं और अपनी थी 9:40 की, तो अभी लाइन में खड़े हैं बस। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी फ्लाइट के पास में। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में, अभी अपना लगेज आना बाकी है बस। आधा घंटा वेट करने के बाद में अपने को फाइनली लगेज मिल चुका है और रात के 2 चुके हैं। अभी अपने को जाना है बस देखने के लिए, अगर मिलेगी तो ठीक, नहीं तो फिर यहीं पे स्टे करेंगे। सो गाइस अभी हम बस के अंदर आ चुके हैं और अभी अपने को नॉन स्टॉप यहाँ से जयपुर चलना है, जयपुर से फिर बीकानेर के लिए बस लेनी है। तो अभी हम सुबह से कंटिन्यू इसी में चल रहे हैं और दोपहर को 2 समथिंग पहुँचेगी। अभी 1 और लगने वाला है जयपुर पहुँचने में अपने को। सो गाइस अभी हम चढ़ चुके हैं वापस से दूसरी बस में जयपुर से बीकानेर की, जो कि सुबह अपने को 4 या 5 समथिंग छोड़ देगी। और मैं यहाँ से मार्केट से बहुत सारे टॉयज़ वगैरह के भी लेके आया हूँ जो बहुत रीज़नेबल प्राइस में, जो कि नारगढ़ वाली जो रोड है ना जयपुर सिटी के अंदर, वहाँ पे मिले मिर्चे। तो मैं सुबह दिखाता हूँ कि कैसे टॉयज़ लेके आया हूँ। तो अभी मिलते हैं सुबह बस, अभी अपने को रात में सोना है और कुछ भी नहीं करना है। खाना मैंने खा लिया दोपहर को, बस में ही खाया था और कोल्ड ड्रिंक में साथ में लेके चढ़ा हूँ, तो अभी सोते हैं बस। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे। सो आई होप आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप हमारे चैनल में पहली बार आए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी पूरी सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में और पूरी सीरीज़ देख लीजिए। मस्त वाले व्यू कैप्चर किए थे हमने और मस्त वाला एडवेंचर वाला ट्रिप रहा था। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।